मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो ये लेसन 6 है, फर्स्ट पार्ट था, उससे मैंने आपको दो क्वेश्चन आंसर करा दी हूँ। अब क्वेश्चन आंसर 3, 4, 5 बचा हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा संधि विच्छेद है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 संधि विच्छेद। सत्य प्लस मित्र
आपका ये जो है संधि विच्छेद हो गया है. अब उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग. अब क्वेश्चन नंबर बेटा फोर देखो. फोर में है संस्कृत में वाक्य, संस्कृत में वाक्य प्रयोग. दूसरा में निवार्यसि. पापान योजते नंबर देखिए दीक्षु. दीक्षु का क्या है चेत दीक्षु प्रमुखी. फोर में देखिए क्या है परी परी कर्तव्य. इसका लिखिए दुर्जना. इसका लिखिए दुर्जना परी कर्तव्य परी परी हर विद्या नीतोपि. फाइव नंबर में है जाम्यम. जाम्यम धियो हरति. जाम्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम. वाक्य में प्रयोग इसका नेक्स्ट में करवा रही बेटा. क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखिए पांच है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत अनुवाद. क्वेश्चन नंबर पांच संस्कृत अनुवाद.
दुआ में है हमें पढ़ पाठ पढ़ना चाहिए, हमें पाठ पढ़ना चाहिए। देखिए उसका अहम पाठम पठनीयम करिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। क्या है इसका स्वयं स्व स्व कार्यम करणीयम। में देखिए तुम दिल्ली जाओगे, इसका कीजिए स्वयं दिल्ली गमिष्यति, दिल्ली गमिष्यसि। भाव में देखो हरीश स्वभाव से दुष्ट है, हरीश स्वभाव से दुष्ट है। इसका लिखिए हरीशा हरीशा स्वभावे भोजन भी लिख सकते हैं, दुष्ट दुष्ट अस्ति। घन नंबर तो हो गया बेटा, उसे आगे पहले से कीजिए। अब लास्ट में वन नंबर देखो फाइव का, वन नंबर में क्या है, क्या आपको दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, आपको दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो देखिए इसको स्वयं दुष्ट जने अपाकुशी अपा करोशी अपाकरोशी अपाकरोशी उसका दूर रहना, वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है। इसका लिखिए शह स्व कार्यम स्व कार्यम आपका आपका ये जो चैप्टर है बेटा लेसन सिक्स ये आज खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसे आप लोग कीजिएगा, कहीं भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।